तो वेल हेलो गाइस, कैसे हैं, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। तो गाइस एक नया ट्रेलर आ चुका है जिसका मैं काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैंने काफी दिनों से इसे फॉलो कर रहा था कि राजकुमार राव की एक नई मूवी आने वाली है श्रीकांत, और इसकी सारी स्टोरी ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। और गाइस आप लोगों को तो पता है कि राजकुमार राव कोई भी मूवी बनाते हैं तो गाइस उसमें एक खतरनाक इम्पैक्ट दे जाते हैं, और इस मूवी में उन्होंने एक अंधे का किरदार निभाया है। गाइस मैं बता दूं कि इससे पहले आयुष्मान खुराना की अंधाधुन मूवी आई थी जिसमें उन्होंने बहुत ही जबरदस्त काबिलियत वाली एक एक्टिंग की थी, और इस मूवी में कैसे एक्टिंग करते हैं राजकुमार राव उसे हम देख लेते हैं, और ये ट्रेलर कैसा है उस पर रिएक्शन दे देते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं, लेट्स सी, 3 2 1 स्टार्ट। हेलो सर, मैं बायोलॉजी पढ़ना चाहती हूँ और लाइफ साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। थैंक यू। हेलो सर, आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। थैंक यू। नाइस। हेलो सर, आई वांट टू बी अ स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट एंड टू बी द फर्स्ट मैन ऑन मार्स। थैंक यू सर। हेलो सर, सर मैं देश का पहला विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। थैंक यू सर। भाई साहब फर्स्ट इम्पैक्ट देख रहे गाइस, खतरनाक यार, यहाँ से ही इनका एक्टिंग यार दिखता है, फील होता है। भाई गूज बम्प आ गए मेरे यार, क्या ही खतरनाक तबाही एक्टिंग यार। फिर से देखिएगा गाइस आप लोग भी। थैंक यू सर। हेलो सर, सर मैं देश का पहला विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। थैंक यू सर। गाइस मैं रुकूंगा। व्हाट इज योर नेम यंग मैन? सर माय नेम इज श्रीकांत बोला। आ तो भाग जाता ना वहाँ से। कहाँ भागता नाना, मैं भाग नहीं सकता, सिर्फ लड़ सकता हूँ। लोगों ने कहा श्रीकांत हो रजनीकांत नहीं, मुंह के बल गिरोगे। उसने कहा एंड आवर न्यू हेड बॉय इज श्रीकांत। 12th स्टैंडर्ड में श्री को 98% आए थे। श्रीकांत एडमिशन भी आर्ट्स में ही हुआ है, मान नहीं रहे कॉलेज वाले। पर क्यों? विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में साइंस का ऑप्शन ही नहीं है। मैं पढ़ूंगा तो साइंस ही पढ़ूंगा, चाहे जो हो जाए। इसीलिए केस करना है। किस पर? इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। सर श्रीकांत, आपने न्यूटन के बारे में तो सुना ही होगा। सर न्यूटन ने ग्रेविटी जरूर डिस्कवर की थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले किसी ने एप्पल को गिरते हुए नहीं देखा होगा। पर किसी ने ग्रेविटी के बारे में नहीं सोचा सर, उसके लिए आंखें नहीं चाहिए। tan square theta plus 1 is equal to sec square theta. Sec square. इंडिया के किसी भी कॉलेज ने जिसे पैसे भरकर भी एडमिशन नहीं दिया उसे दुनिया के टॉप 4 यूनिवर्सिटीज ने स्कॉलरशिप देके बुलाया है। तुम सच में बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हो श्रीकांत, तुम्हारे कोर्ट केस, क्रिकेट, MIT, सबके बारे में पता है मुझे। लोगों को तो लगता है कि ये ट्रेन में गाना गाने के लिए ही बने। मुझे भीख नहीं मांगनी है टीचर, मुझे पढ़ना है टीचर, मुझे पढ़ना है। आप डिसेबल लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे। और जॉब क्रिएट कैसे होंगे? आपको पता है एक विजनरी आदमी ने ऑलरेडी मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया है। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपने अपने दिमाग में हमारे लिए अलग ही कहानी बना रखी है। बेचारा कितना बुरा हुआ इसके साथ, कुछ बुरा नहीं हुआ है हमारे साथ, और बेचारे तो हम बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारे चक्कर में मत फंसना, आपको बेच के कहां जाएंगे हम। अया अंधा के मदद करो। पैसे दे रहे हो? मुझे दो, इसे हम जॉब देंगे। गाइस ट्रेलर के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो भी बोलूंगा भाई साहब तबाही है, और इसमें राजकुमार राव की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त है। लास्ट वाला सीन देख करके यार गूज बम्प आ रहे थे, हर जगह उनकी जो डायलॉग थी बहुत ही ज़्यादा एकदम से इम्पैक्टफुल थी। और इस मूवी के जितने सारे एक्टर भी है वो भी जबरदस्त काम किए हैं, और ये स्टोरी तो एकदम ट्रू इवेंट बेस्ड है। तो गाइज
थे तो देखना बनता है। जब भी ये मूवी लगती है 10 मई को तो उसे मैं देखने जरूर जाऊंगा। तो गाइस देखते हैं ये मूवी कैसी होगी। और गाइस दिल से बोलो तो ये ट्रेलर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बट गाइस आपको ये ट्रेलर कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।